हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन डिटरमिनर्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड में और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में कौन से डिटरमिनर्स जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखते हैं अपन। द, ए, एनी या फिर सम। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा बी, इसमें लगेगा आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। और यहाँ पे ए का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास है इसमें जो जी है वो एक कॉन्सोनेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, माय नेबर इज़ ऑनेस्ट पर्सन। तो जो मेरे नेबर्स है, जो पड़ोसी है, वो क्या है, ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार है। इसमें देखते हैं कौन से डिटरमिनर्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे, द, ए, एनी या फिर एन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा डी, इसमें एन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिंग इज़ मेड ऑफ डैश गोल्ड। ये जो रिंग है वो किसकी बनी है, सोने की बनी है। ऑप्शंस देखते हैं, द, नो डिटरमिनर्स, ए या फिर एनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मीन्स यहाँ पे कोई भी डिटरमिनर्स यूज़ नहीं होगा, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विथ यू। तुम्हें हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, एनी, ए, एन या फिर अ फ्यू। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे भी अम्ब्रेला के अंदर जो है वो वोवल दिया हुआ है, यू यहाँ पे क्या है, वोवल है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग। ऑप्शंस है एनी, द, ए या फिर सम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, इसमें क्या लगेगा, द लगेगा। द फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग, मतलब आज के जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, गाना है, सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट गॉट मनी इन माई बैंक अकाउंट। ऑप्शंस है एनी, ए, ए फ्यू या फिर फ्यू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स एनी, आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका एनी, वो ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज़ अ डिटरमिनर इन इट। द कंक्लूजन ऑफ टू ईयर्स, सोशल डेवलपमेंट्स, वॉचिंग टेलीविजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ए, द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटरमिनर एन। अब इसमें जो एन का जो डिटरमिनर है, इसके अंदर इनमें से कौन सा यूज़ किया गया है, देखते हैं। हेल्दी एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग हेड एक्टिविटी या फिर इंजरीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द डिटरमिनर इन इट। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड स्पाइसेस, लोकल डिस्टर्बेंस, स्टार्व एंड डाइड आउट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा बी, द ओल्ड स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्रेज अ गुड थिंग द डिटरमिनर यूजेस, मतलब ये जो फ्रेज है अ गुड थिंग, इसमें कौन सा डिटरमिनर जो है वो यूज़ किया गया है, गुड, ए, थिंग या फिर अ थिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ अ डिटरमिनर इन इट। ऑप्शंस है, द पुलिस, देन बीट अप, टुक हिम अवे, ही फेल अनकॉन्शियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ए, द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 नंबर। इन द फ्रेज वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर द डिटरमिनर यूज्ड इज। अब ये जो फ्रेज है वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर, इसमें कौन सा डिटरमिनर यूज किया गया है। ऑप्शंस है वाटर, क्राइसिस, द या फिर नियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी, द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव गॉट वर्क टू गेट थ्रू टुडे. ऑप्शंस है अ लॉट ऑफ मैनी या फिर फ्यू. तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ए, अ लॉट ऑफ. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू टुडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सॉल्ट इज बैड फॉर यू. ये जो सॉल्ट है ये तुम्हारे लिए बैड है, बुरा है. ऑप्शंस है द, ए, एन या फिर ज़ीरो आर्टिकल. तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ज़ीरो आर्टिकल्स. इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर वर्क टू डू इन द गार्डन. इज़ देयर वर्क टू डू इन द गार्डन, कि क्या वहाँ पे गार्डन में वर्क है करने को. ऑप्शंस है मैनी, अ, मच या फिर अ फ्यू. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका सी, मच. इज़ देयर मच वर्क टू डू इन द गार्डन, क्या वहाँ पे कुछ वर्क है काम करने को गार्डन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ऑल टोमेटोज बेनिफिट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर. ऑप्शंस है अ फ्यू, फ्यू, लिटिल या फिर अ लिटिल. तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका डी, अ लिटिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू बी आइंस्टीन टू वर्क दैट आउट, कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है आइंस्टीन के जैसे वर्क करने की. ऑप्शंस है एन, अ, द या फिर ज़ीरो आर्टिकल. तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स एन, ए ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट वो ही इसका राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डिड द जॉब विदाउट एंथुसिएज्म. ऑप्शंस है मच, मैनी, ऑल या लिटिल. तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है मच वो ही इसका राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज़ नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू हेल्प. देर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं है. दैट एवरी आएगा, हाफ आएगा, एनी आएगा या फिर नन ऑफ. कैन डू टू हेल्प, हेल्प करने को. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डैश मनी डू यू हैव. अब हाउ के साथ मैनी आएगा, फ्यू आएगा, मच या फिर लॉट ऑफ, क्या आएगा. तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मच. हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने मनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक फर्दर. शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थकी हुई है. शी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी फर्दर. तो ऑप्शन है मोर, एनी, अलोंग या फिर अ ग्रेट डील ऑफ. तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड इसका बी, एनी फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वास्को डी गामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन सैलर टू कम टू इंडिया. अब वास्को डी गामा जो है वो क्या है, फर्स्ट यूरोपियन सैलर है जो इंडिया आए थे. ओनली द, ए या फिर वेरी. तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, द. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फूड फ्लॉट्स ऑन वाटर. ऑप्शन है ए, द, मोस्ट या नो डिटर्मिनर्स. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसमें डी, नो डिटर्मिनर्स. यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा. राइट ऑप्शन है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, डैश साइड ऑफ द रोम्बस हैज़ द सेम लेंथ. ईच, ऑल, नो या फिर सम. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ए, ईच साइड ऑफ द रोम्बस हैज़ द सेम लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज सेकेंड सजेशन वॉज डैश बेटर देन हिज फर्स्ट. मतलब इनका जो उसका जो पहला सेकेंड सजेशन जो है वो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है. ऑप्शन है मच, मोर, मोस्ट या फिर वेरी. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ए, मच. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, डैश ऑफ द टू बुक्स कवर माई सिलेबस. जो दो बुक्स है वो मेरे पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लेती है. ऑल, नाइदर, नो या फिर मोर. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका बी, नाइदर ऑफ द बुक टू बुक्स कवर माई सिलेबस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कार बिलोंग्स टू डैश लेडी नेक्स्ट डोर. नो, विच, वन या द. राइट ऑप्शन होगा इसका डी,
द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दैस चॉकलेट्स आर फॉर यू, ये सारी की सारी चॉकलेट किसके लिए, तुम्हारे लिए है। ऑप्शन है देयर, दिस, दिस या फिर विच, तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी, ऑल दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड दैट क्वेश्चन, स्ट्रेंजर आस्क्ड डैश क्वेश्चंस, ऑल, मैनी, लिटिल या फिर मच, राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका बी, मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू हेल्प, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, एवरी, मोर, मच या फिर एनी, तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी, एनी, एनी ऑफ अस, कोई भी नहीं है यहाँ हमारी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हिज मनी हैज़ बीन स्टॉलन, मोस्ट, ऑल, आइदर या फिर मच, राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका बी, ऑल हिज मनी हैज़ बीन स्टॉलन, कि सारे के सारे उसके जो पैसे हैं वो चुरा लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, देर आर मिस्टेक्स इन द एसे, plenty, the, a little या फिर few, right option होगा friends इसका D, that is few mistakes in the essay. Next question है, that is dash toy which I saw yesterday, कि यह तो वही खिलौना है जो मैंने कल देखा था। options है an, those, little या फिर the, right option होगा friends इसका D, That is the toy. Next question है, Hello, dash is Meera, is dash Rama. अब option है, This, that, that, this, my, mine, या these, those. तो right option होगा इसका A. Hello, this is Meera, कि यह Meera है. Is that Ram, क्या वह है? Ram है, Rama है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्पेंट डैश यूजफुल हार्ट टू बाउंटी गार्डन, ऑप्शन है एन, ए, मैनी या फिर सम, तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका बी, शी स्पेंट अ यूजफुल हार्ट इन द बाउंटी गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू सी डैश फर्स्ट हाफ और डैश सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, ऑप्शन है द, द, ए, ए, फ्यू, fewer, not any, तो right option होगा इसका friends A, the, did you see the first half or the second half of the movie? Next question है, I have hardly dash money, some, little, few या any, तो friends इसका right option होगा D, I have hardly any money. Next question है 38 number, dash in the garage is motor oil, ऑप्शन है ऑयल, द ऑयल, अ ऑयल या फिर एन ऑयल, तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका बी, द ऑयल इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, देयर वाज नॉट डैश पीपल देयर, मच, लिटिल, अ लिटिल या फिर मैनी, तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी, मैनी, देयर वर नॉट मैनी पीपल देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, डैश ऑफ दीज पेन्स वर्क, क्या ये सारे पेन काम करते हैं, तो नन ऑफ दीज पेन, सम ऑफ दीज पेन, मैनी ऑफ या फिर अ फ्यू, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए, नन ऑफ दीज पेन वर्क, मतलब कोई भी पेन जो है वो काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एक्सपेंसिव, द पेट्रोल इज एक्सपेंसिव, अ पेट्रोल या फिर पेट्रोल या फिर एन पेट्रोल, राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका सी, पेट्रोल इज एक्सपेंसिव, जो पेट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई यूज्ड माय शूज एज हैमर, अ हैमर, द हैमर या फिर एन हैमर, तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी, अ हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, डैश हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, जो हाउस है वो कॉर्नर वाला वो क्या करने वाला है, सेल करने वाला है, बेचने वाला है, अ हाउस, एन हाउस, द हाउस या फिर जीरो आर्टिकल्स, तो राइट ऑप्शन होगा सी, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, जो किनारे वाला घर है वो बेचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल हिम, मैनी, सम, एनी या फिर
फ्यू तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी एनी. देर इज़ हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल हिम, कि उसको बहुत ही ज़्यादा कोई हार्डली प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी है जो कि उसको सेटल होने नहीं देती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज़ इन्फेक्शन फ्रॉम पल्यूटेंट नाउ देन एवर बिफोर, मच मोर, अलॉट या फिर मोस्ट. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका बी मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हायर वी गो कूलर इट इज़, एक्स द एक्स एक्स द द द या फिर एक्स. तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका सी द हायर वी गो द कूलर इट इज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल प्रिसीड अ वोवल साउंड बिफोर विथ नो प्रीपोजिशंस या फिर बाय. तो राइट ऑप्शन होगा सी नो प्रीपोजिशन, एन आर्टिकल प्रिसीड नो प्रीपोजिशंस अ वोवल साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डैश वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ अ ऑक, द ए एन या जीरो आर्टिकल्स. राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ए, द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ऑक. जो ये लकड़ी की जो टेबल बनी हुई है वो किसके पेड़ से बनी हुई है, ऑक के पेड़ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी डैश मैन वुड बिकम वेलकम सच अ चांस एंड द जीरो आर्टिकल या फिर ए. तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ए, मैनी अ मैन वुड वेलकम सच अ चांस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, अ ब्रेड एन ब्रेड जीरो आर्टिकल या द ब्रेड. तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी जीरो आर्टिकल, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, जो ब्रेड है वो किससे बनती है, आटे से बनती है. तो ये वीडियो फ्रेंड्स अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे वाले MCQs अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हाँ जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे.